Once again, I am coming. Hello, friends. Once again, I am coming. एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है. नमस्कार. चलिए आज कुछ शुरू करते हैं. असल में मैं आपको कुछ आज बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी फेसबुक को और ज़्यादा और बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइवेसी लगा सकते हैं. उनकी सेटिंग्स को कुछ बता देता हूँ जिससे अपनी फेसबुक की प्राइवेसी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप अपने अकाउंट को बहुत ज़्यादा ही सिक्योर कर सकते हैं. होता है कई बार कि अपने लोग नॉर्मली लोग फेसबुक चलाते हैं और यूज़ करते हैं तो उनसे वो लोग उतना फ़ायदा नहीं ले पाते. लोग जो होते हैं वो उनके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और भी दूसरे तरीके हैं जिससे वो अकाउंट को पकड़ लेते हैं, किसी तरह कैच कर लेते हैं. तो मैं कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे अपने आप फेसबुक अकाउंट को इतना ज़्यादा सिक्योर कर लेंगे कि कोई दूसरे अकाउंट हैक करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हैक नहीं कर सकता है. तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ. उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक लॉगिन करना होगा. तो मैं सबसे पहले, ये मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, मैं क्रोम ब्राउज़र में अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ. उसके बाद फिर हम जी बताते हैं आपको. चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं. मुझे यहाँ पे अपना लॉगिन वो टाइप करना होगा, facebook.com. तो गाइस देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है. अब मुझे देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होगा. ये तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं. मैं अपने सेटिंग की तरफ बढ़ जाता हूँ. मैं थोड़ा नीचे और आता हूँ. यहाँ पर मैं सेटिंग्स को देखता हूँ, उसके बाद उसको ओपन कर लेता हूँ. चलिए ये क्या खुल गया, मैं बाहर आ जाता हूँ. सिस्टम कुछ सही से आज वर्क नहीं कर रहा है मेरा. मैं देखता हूँ इस चीज़ को भी. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेटिंग्स पे आ रहा हूँ और सेटिंग के बाद फिर अकाउंट सेटिंग पर. ओके, ओके फ्रेंड्स. तो देखिए सेटिंग्स ओपन हो गई हैं. अब मुझे यहाँ नीचे आना होगा और नीचे आना होगा. अब देखिए यहाँ पे पेजेस और भी कई. अब देखिए एक ऑप्शन खुला है, हेल्प एंड सेटिंग. तो कभी भी आपको सेटिंग्स में जाना हो तो अपने यही हेल्प एंड सेटिंग नाम का एक एप्लीकेशन को ये ऑप्शन मिलते हैं, आप यहीं पर ही आए. अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज हेल्प. अगर आप फेसबुक की लैंग्वेज को बदलना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन यही रहा, लैंग्वेज. आप फेसबुक की लैंग्वेज को बदल सकते हैं. अगर कोई हेल्प चाहिए फेसबुक से आप हेल्प ले सकते हैं. क्योंकि एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, एक्टिविटी लॉग. ओह शिट. देखिए एक्टिविटी लॉग असल में क्या होता है, आप एक्टिविटी लॉग में मतलब जो कुछ भी अभी कुछ समय पहले ही आपने किया होता है तुरंत तुरंत आप वो डायरेक्ट इसमें ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने आज क्या क्या किया था. हाँ, ये अब चेक कर सकते हैं इसमें कि मैंने अभी तुरंत क्या किया, कल क्या किया था, परसों क्या किया. इसमें सारी डिटेल्स रहती है, यानी कि एक तरह से आपकी ब्राउज़र में हिस्ट्री होती है, उसी का फेसबुक में काम करता है एक्टिविटी लॉग. तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है. न्यूज़ फीड, प्रेफरेंस, अकाउंट. अगर आपको सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए अकाउंट सेटिंग ऑप्शन है, वहाँ पर जा सकते हैं. इसी सेट यहाँ ही पर आपके सारी सेटिंग्स मौजूद रहती है. ये देखिए मेरे पास सारी सेटिंग्स हैं, ऐप्स, एड्स, पेमेंट, सपोर्ट, इनबॉक्स, वीडियोस. चलिए सबसे पहले तो मैं ऊपर आ जाता हूँ. अरे चलिए ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ. फेसबुक कुछ वर्क नहीं कर, अकाउंट सेटिंग ओपन किया है जैसे मैंने. देखिए अकाउंट सेटिंग खुल रहा है. अब यहाँ पे मुझे कई सारे ऑप्शन है जैसे जनरल सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग, प्राइवेसी. तो शुरुआत तो मैं आपके जनरल सेटिंग से ही करना चाहता हूँ.
मैं जनरल सेटिंग ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए जनरल सेटिंग खुलेगा तो इसमें नॉर्मली आपके बेसिक्स जो रहते हैं वो ओपन हो जाएंगे, जैसे आपका नेम, आपका पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, नेटवर्क। अगर आप इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको जनरल सेटिंग में आना होगा और आप यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भाई बंधु अगर नेम, ईमेल ये सब चेंज करने नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज़ यहाँ से देख के आप इस पर क्लिक करके उसको समझ सकते हैं। चलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन है सिक्योरिटी ऑप्शन, मैं सिक्योरिटी ऑप्शन को टच कर देता हूँ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है, इसी के थ्रू अपने अकाउंट की सिक्योरिटी लगा सकते हैं, थोड़ा सिक्योर कर सकते हो। मैं इसी पे थोड़ा फोकस करता हूँ सिक्योरिटी ऑप्शंस पे। चलिए पेज को ओपन होने देते हैं। ओके देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लॉगिन अलर्ट्स। देखिए लॉगिन अलर्ट क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा फेसबुक की तरफ से हमें ये सिक्योरिटी मिलती है कि जैसे ही सबसे पहले आप इसको ओपन करें उसके बाद यहाँ पे आपको कोई ईमेल देना होता है अपना। आपके पास अगर ईमेल है तो आप अपना एक ईमेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। असल में इस ईमेल से होगा क्या, आपके पास एक लॉगिन अलर्ट पहुँच जाएगा कि आपने किस टाइम किस समय अपना फेसबुक अकाउंट किस फ़ोन से ओपन किया हुआ है या किस विंडो से या किसी कंप्यूटर से अगर आपने फेसबुक अकाउंट ओपन किया है तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ईमेल ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहें तो नोटिफिकेशन ऑन और ईमेल अपना यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे चूज़ कर दें गेट ईमेल अलर्ट्स और इस तरह से सेव कर दें। अगर आपके में ऑप्शन नहीं है तो देखेंगे तो इसको ऐड कर देंगे आपका अपना ईमेल, तो आप कुछ भी जब भी फर्स्ट टाइम फेसबुक ओपन करेंगे या दूसरा सेकेंड ओपन करेंगे तो एक ईमेल मैसेज आपके ईमेल में पहुंच जाएगा जो आपने ऐड किया होगा। और इस बात का ध्यान रहे कि गेट ईमेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। ओके चलिए मैं बाहर की तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे और ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। फिर से मैं अकाउंट सेटिंग की तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पहला सिक्योरिटी ऑप्शंस में ही हम आए थे, सिक्योरिटी ऑप्शंस के नीचे जो सेकंड ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन। इसका फिलहाल छोड़िए, इसका भी हम चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी क्या करता है। पेज ओपन, तो आप इसके थर्ड पार्टी सिक्योरिटी कोड जनरेट कर सकते हैं कि जब भी कभी लॉगिन करेंगे या नहीं करेंगे तो आप इसके एक बटन आएगा लॉन्च करने के लिए ऑटोमेटिकली, ऐसे आप इस पर सेटअप कर सकते हैं और ये कोड भी डाल सकते हैं। चलिए ये तीसरा नंबर ऑप्शन आ रहा है योर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर। मुझे ये ट्रस्टेड फीचर बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आपने कोई भी अकाउंट अपना लॉगिन किया हुआ है और आपका अकाउंट अगर हैक हो जाता है या कोई आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहां से एडिट करके, जैसे मैंने यहां पे दो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट लगाए हुए हैं, जैसे मैं यहां पे कोई एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट लगा लेता हूं, जैसे ये मेरे भाई का, ये मैं अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट यहां पे सेट कर देता हूं। उससे होता क्या है, जब भी कोई मेरा अकाउंट या हैक होगा या कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर मैं इन ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से बोल के वो मेरा पासवर्ड रिकवर हो सकता है वेरी इजीली। तो आप भी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट ज़रूर ऐड कर लें तो ये आपके अकाउंट रिकवर करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। ये ऐप पासवर्ड रिकॉग्नाइज वाइज, देखिए ये तो फेसबुक की तरफ से ही सुविधा मिलती है कि आप जिस फ़ोन से या जिस कंप्यूटर से नहीं पता है कि आप किससे कम नेट चला रहे हैं, इंटरनेट या फेसबुक चला रहे हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने आप किस डिवाइस से फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं। हाँ इसके लिए आपको अपनी लोकेशन ज़रूर ऑन करनी पड़ेगी, फिलहाल मेरी लोकेशन ऑफ है इस वजह से शो नहीं कर रहा है। वेर यू लॉग्ड इन, आप कितने बार लॉग इन थे, प्रोफाइल पिक्चर लॉग इन, प्रोफाइल पिक्चर से कितने टाइम्स लॉग इन किया, और अकाउंट को अगर आप बंद करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो देखिए ये डीएक्टिवेट का ऑप्शन होता है। तो आप अपने अकाउंट को पूरी तरह बंद करना चाहते हैं तो फेसबुक का यही है फीचर, आप यहाँ से अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए हम बाहर आते हैं और एक और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्राइवेसी पे आना होगा, मैं
थर्ड नंबर पे प्राइवेसी में यहाँ पर देखिए हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको ढेरों सारे लाइक मिले, कई कई सारे कमेंट्स मिले, तो आप अपने फ्यूचर पोस्ट को पब्लिक रखें और हु कैन सी फॉलो पीपल लिस्ट इनको भी पब्लिक रखें, और ऑडियंस जो शेयर करती है फ्रेंड्स इनको थोड़ा लिमिट में रखें। लिमिट ऑडियंस ही आप लिमिट रख सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं बाहर आ जाता हूँ। हु कैन सेंड यू, आप अगर चाहते हैं कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना मिले तो ये देखिए प्राइवेसी में ऑप्शन मिलता है हु कैन कॉन्टैक्ट मी। आप यहाँ से चाहते हैं कि मेरे केवल फ्रेंड्स और फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट भेज पाएँ या मुझे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजे, तो आप यहाँ से सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। खासकर ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हो जाती है कि वो नहीं चाहते कि हमें ये कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, तो आप यहाँ से हु कैन सी माई फ्रेंड रिक्वेस्ट में सेट कर सकते हैं। आप पब्लिक ना लगा के कोई दूसरा यूज़ कर सकते हैं, जैसे एवरीवन की जगह फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हैं। उसके नीचे हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, मेरा ईमेल कौन देख सकता है। तो जैसे यहाँ पे बेसिकली फोन फ्रेंड्स लगा हुआ है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, या मी ओनली मी आपको नहीं देना है किसी को। उसके नीचे ऑप्शन है आप जैसे बहुत से गर्ल्स को होता है कि मुझे नंबर्स नहीं देना है, अपना नंबर प्रोवाइड नहीं कराना है, तो हु कैन लुक अप यूजिंग द फ़ोन नंबर, तो आप यहाँ से एवरी वन की जगह ओनली मी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा ये फ़ोन नंबर है, तो आप जैसे कोई नहीं चाहता कि ये फ़ोन नंबर फ्रेंड देखे या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, तो आप यहाँ से प्राइवेसी को चेंज कर सकते हैं, फ्रेंड्स लगा सकते हैं। उसके देखिए डू यू वॉन्ट टू सर्च इंजन, यहाँ ये आप 18 हो जाएंगे उसका ये अपने आप ही लिंक हो जाएगा। उसके नीचे देखिए टाइमलाइन टैगिंग ब्लॉकिंग, कई सारे ऑप्शन है, मैं थोड़ा टाइमलाइन टैगिंग के बारे में बता देता हूँ। देखिए हु कैन पोस्ट ऑन, आपकी टाइमलाइन पे कौन पोस्ट कर सकता है, तो मैंने इसको ओनली मी रखा हुआ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं शरारत, बच्चे शरारत कर जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैंने ये कर दिया कि मेरी टाइमलाइन पे कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टाइमलाइन पे पोस्ट हो तो आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। रिव्यू पोस्ट फ्रेंड टैग यू इन बिफोर दे अपीयर, रिव्यू कर सकते हैं, चलिए ठीक है। उसके नीचे देखिए हु कैन सी थिंग्स, आपके टाइमलाइन पे कौन देख सकता है क्या क्या है। हु कैन सी पोस्ट यू हैव बीन टैग, हु कैन सी पोस्ट यू हैव बीन टैग इन योर टाइमलाइन ओनली मी। हु कैन सी अदर पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन ओनली मी, अदर पोस्ट कौन दे सकता है मेरी टाइमलाइन पे, तो मैंने खुद लगा रखा है, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता, ये काफ़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। रिव्यू टैग फ्रेंड टू एड योर ओन पोस्ट बिफोर द टैब, ये सब ऑन रख सकते हैं। यहाँ पे आप टैग पोस्ट को ऑन रख सकते हैं या फिर ओनली मी चाहे तो आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ सेटिंग्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया, सो देख सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को चेंज करिए, अपनी फेसबुक को यूज करिए और इन्जॉय करिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।